दोस्तों फाइनली हमने लास्ट जो मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज है उसके पास आ गए हैं और वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया आपको 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, उससे पहले एक आपको बात बता रहा हूँ कि अगर आपको कोई भी क्यूरियस जो 4 मेडिकल कॉलेजेस के बारे में डिस्कस किए हैं वो नहीं देखे होंगे तो आपको MBBS इन नेपाल प्ले लिस्ट के बारे में वीडियो में मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है वहाँ भी आपको मिल जाएगा, या आपको आई बटन में भी मिलने की बहुत कुछ संभावना है, या आप कोई भी उस क्यूरी रहता है तो आप +9779814186466। अब हमेशा सोच रहे होंगे +9779 क्यों लगा रहे हैं, तो हम नेपाल से बिलोंग करते हैं, नेपाल से बिलोंग करते हैं और नेपाल का कोड है ना, नेपाल का कोड है ना जो +977 है और हम काठमांडू नेपाल में रहते हैं। तो हो गया ये। तो अब नेक्स्ट जो है हमने किस किस कॉलेज के, 5वां नंबर पर हमारा जो कॉलेज है वो रैंकिंग के हिसाब से नहीं है भाई, वो मत सोचिएगा रैंकिंग नहीं है, करनाली KAIHS, करनाली एकेडमी ऑफ साइंस। इससे पहले क्या डिस्कस किया हम लोग, नेपाल आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। इससे पहले क्या डिस्कस किया, पाटन एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस। इससे पहले क्या डिस्कस किया हमने यहाँ पर 2 नंबर में कि IOM डिस्कस किया। इससे पहले क्या डिस्कस किया भाई बताओ हमको, 1 नंबर में BPKHIS डिस्कस किया। तो यहाँ पर अब हम लोग करनाली करने, तो जो हमने यहाँ बताया था ये और ये दोनों TU का अंडर आता है, त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का, जिसमें ये सेंट्रल कॉलेज है और ये और ये ऑटोनोमस है, बताया था कि नहीं ऑटोनोमस है। और इसमें एक और जो कौन ऑटोनोमस आ गया, ये भी ऑटोनोमस है। मीन्स टोटल जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें 3 जो कॉलेज है वो ऑटोनोमस हो गया। तो करनाली के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, करनाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस। करनाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस का मतलब क्या है, जैसे कि KHS का मतलब करनाली करनाली एकेडमी इंस्टीट्यूट, यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस, करनाली एकेडमी इंस्टीट्यूट ऑफ क्या है, हेल्थ साइंस है करनाली एकेडमी इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर लोकेशन इसका क्या है, इसका लोकेशन है करनाली में, डिस्ट्रिक्ट का नाम है करनाली में लोकेशन है। तो जो करनाली है ना, थोड़ा कनेक्ट मतलब कि मीन्स बिकट एरिया में पड़ता है, वहाँ पर चार रोडवे का जो कनेक्टिविटी है ना वो थोड़ा उतना गुड नहीं है यहाँ पर। दिस कॉलेज इज बेस्ट फॉर हिमाली स्टूडेंट्स, एज पर माई ओपिनियन, नॉट फॉर ऑफिशियल, एज हिमाली स्टूडेंट्स और हिली स्टूडेंट्स, बिकॉज हियर लिटल विल कोल्ड, यू विल फील कोल्ड एंड लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर्स आर नॉट वेल डेवलप्ड। And here, let's start the sheet and how you will get this Karnali Academy of Health Science. Then here, Karnali Academy of Health Science, here total number of seat is 20 and here MBBS has started since 2020 AD, MBBS has started. Or here, as per a medical education, 8% rule is divided, then 8% seat is almost 2 seat. For foreign, this is the foreign seat, 2%, and here 25% is a scholarship seat for Nepalese, not for Indian, yeah, Nepalese, and here remaining seat is Nepalese paying seat, okay? Nepalese paying seat. This is the rule. And if you want to study in Karnali Academy of Science as a foreign, as a Nepalese, you have to score good marks. Means your rank should be under 500 to 1000 for paying
और फॉर स्कॉलरशिप अंडर 500, ओके, और फॉर फॉरेन, लेट्स डिस्कस फॉर फॉरेन, टू सीट्स, ओके, टू सीट्स, एंड इफ यू आर विलिंग टू टेक एडमिशन इन कर्नाली एकेडमी हेल्थ साइंस, फॉरेन हैज ऑलवेज टू ऑप्शंस, यस, यस, वन इज दैट इज एमएससी सी एग्जाम, एंड वन इज एमएससी दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकेंड इज दैट इज नीट डायरेक्ट आई एम राइटिंग इट मीन्स नेशनल योर नेशनल ऑन नेशनल एग्जाम, ओके, एंड दिस इज द सेकेंड प्रायोरिटी. होता क्या है, अगर आप एमएससी में ये फर्स्ट प्रायोरिटी से जाते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की बहुत चांसेस होता है. तो यहाँ पर इसका भी वही रूल फ्लो होगा, यहाँ पर आपको मिलने की हाई प्रोबेबिलिटी फिक्स ही है. और यहाँ पर अगर आपको ये नीट के थ्रू भी जाते हैं तो यहाँ पर आपको नीट के थ्रू भी ये कॉलेज मिल जाएगा. मीन्स आपको यहाँ पर दोनों के थ्रू सेम क्वालिटी सेम चांसेस है, आप नीट के थ्रू भी जाइए और यहाँ पर जाइए, क्योंकि ये जो कॉलेज है ना वो फॉरेन के लिए रिकमेंड नहीं करता है, कोई भी काउंसलर रिकमेंड नहीं करता है, क्योंकि नया नया 2020 से इसमें एमबीबीएस स्टार्टेड हुआ है और थोड़ा डिफिकल्ट टोपोग्राफी एरिया में है, जहाँ के विकट बोलते हैं ना वहाँ पर है, तो जहाँ की वेल डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं और ठंड भी पड़ता है, जिसके कारण से कोई ये रिकमेंड नहीं करता है. तो सो फाइनली ये होगी, और इसके फी इसमें आपको नीट के बेसिस पर भी अगर आप ले लेना चाहते हैं, इंटरेस्टेड है तो मिल जाएगा उसमें लो. तो अब फी के बात करते हैं, तो देखिए इसका भी जो गवर्नमेंट कॉलेज है तो इसका जो फी है ना वो 75,000 US डॉलर है, यह इतना लगेगा, मीन्स इंडियन करेंसी में 55 to 56 lakh INR लगेगा आपको इंडियन. इसमें पांच चीज़ इंक्लूड रहेगा, एजुकेशन फी आपको, उसी तरह से लैब फी, उसी तरह से इंटर्नशिप फी, उस लाइब्रेरी फी, और उसके बाद क्या रहेगा आपको एग्ज़ाम फी, आपको मेस और हॉस्टल एंड मेस दोनों के लिए आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा. यहाँ पर आपको अभी वही खर्च लगने वाला है मैक्सिमम 8 to 10,000 NR पर मंथ के हिसाब से आप लेकर चलिए यहाँ पर. दोस्तों फाइनली मैंने ये कर्नाली एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंस के बारे में यहाँ पर पूरा चीज़ डिस्कस कर दिया हूँ, क्लियर कर दिया हूँ. और फाइनली अगर आपको कोई भी क्यूरी होता है ना, कोई भी क्यूरी, तो आप इस नंबर पर +9 7 7 7 9 8 1 8 4 1 8 6 4 6 पर कॉल या व्हाट्सअप कर बात कर सकते हैं और अपना क्यूरी कर सकते हैं. ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे.